दोस्तों आप भी यदि साइंस ऑफ रिद्ध को एक बेहतरीन कप्तान मानते तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग का आज फाइनल मुकाबला मुल्तान सुल्तान और लाहौर कंडर्स के बीच खेला गया। लाहौर कंडर्स ने मुल्तान सुल्तान को रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराकर पीएसएल 23 का चैंपियन बन गया है। तो दोस्तों ऐसे में क्या मैच की पूरी हाईलाइट बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले अभी यदि मोहम्मद रिजवान और साहिन आफरीदी को एक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग का आज फाइनल मुकाबला लाहौर कंडर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच खेला गया। इस मैच में लाहौर कंडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी लाहौर कंडर्स टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही और लाहौर कंडर्स टीम ने इस मैच में 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना डाले। इस मैच में लाहौर कंडर्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन अब्दुल्ला शफीक ने मात्र 40 गेंदों में 8 चौके 2 छक्के के साथ 65 रन की पारी के लिए, वही कप्तान साहिन अफरीदी ने मात्र 15 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्के के साथ 44 रन की पारी खेली। वहीं मुल्तान सुल्तान की तरफ से इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट उसामा मीर ने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुल्तान सुल्तान टीम की शुरुआती बेहद ही शानदार रही, लेकिन लक्ष्य बड़ा होने के कारण मुल्तान सुल्तान की टीम दबाव में आ गई और दबाव में आने के कारण मुल्तान सुल्तान की टीम लगातार विकेट खोते चली गई। इस वजह से मुल्तान सुल्तान टीम मात्र 199 रन बना सकी और रोमांचक मुकाबले में मात्र 1 रन से हार का सामना करना पड़ गया। इस मैच में मुल्तान सुल्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रायलू रूसो ने मात्र 32 गेंदों में 7 चौके 2 छक्के के साथ 52 रन की पारी खेली। वही कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मात्र 23 गेंदों में 5 चौके के साथ 34 रन की पारी खेली और लाहौर कंडर्स की तरफ से इस मैच में कप्तान साहिन अफरीदी ने 4 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं रासिम खान ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस रोमांचक मुकाबले में लाहौर कंडर्स टीम ने मुल्तान सुल्तान टीम को मात्र 1 रन के अंतर से हराने में कामयाब रहा। लाहौर कंडर्स की टीम लगातार दूसरी बार पीएसएल की खिताब जीतने में कामयाब रही है। लाहौर कंडर्स की टीम के कप्तान साहिन अफरीदी ने इस मैच में हरफमौला प्रदर्शन करते हुए अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में ला कर किया और इसके बाद लाहौर कंडर्स टीम ने मुल्तान सुल्तान टीम को इस मैच में 1 रन से हराने में कामयाब रहा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।